Subscribe to my channel Neha Preet. It's free to subscribe and hit the bell icon and never miss my any video. Hello guys, welcome to my channel and this is Neha. और आज मैं शिल्पा शिंदे का लुक क्रिएट कर रही हूँ जो कि ये है. होप कि आपको ये लुक पसंद आया होगा. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं अपने फेस को प्राइम करूंगी फ्रेंड एलोवेरा जेल से, क्योंकि रेगुलर फाउंडेशन यूज कर करके मेरी स्किन डैमेज ना हो जाए. तो इसलिए मैं और कोई नॉर्मल मतलब प्राइमर यूज नहीं कर रही हूँ, एलोवेरा जेल की जगह यूज कर रही हूँ ताकि मेरे स्किन को प्रोटेक्ट करे. कितना भी मैं फाउंडेशन लगा लूँ रेगुलर बेसिस पे और ये मुझे प्रोटेक्ट करे, इसलिए मैं बेस में किसी को भी अप्लाई करूँ. मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ फ्रेंड. मॉइस्चराइजर आपके ब्लेंडिंग को 10 टाइम इजियर बनाता है, इसलिए आपको मॉइस्चराइजर इसलिए भी यूज करना चाहिए ताकि आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी केकी ना लगे. इसके बाद मैं लॉरियल का मैट मैजिक फाउंडेशन यूज कर रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट है, तो इसको मैं लगा रही हूँ. मेरा ये करंट फेवरेट फाउंडेशन है फ्रेंड. अगर मुझे कोई कहेगा कि तुम कोई एक फाउंडेशन यूज करो लाइफ टाइम के लिए, तो मैं आपको लॉरियल का मैट मैजिक फाउंडेशन यूज करूंगी. ये मेरा बहुत ही फेवरेट है और ये काफी अच्छा फिनिशिंग देता है. इवन मुझे ये फिट मी से ज्यादा पसंद. इसके बाद फिर मैं आईज का मेकअप पहले करूंगी, इसके बाद कॉन्टूरिंग सब. सो मैं पहले आई शैडो लगा लेती हूँ. उसके लिए पहले मुझे डेप्थ क्रिएट करना होगा क्रीज लाइन में. सो मैं ब्राउन कलर एज यूजुअल मैं ब्राउन कलर ज़्यादा यूज़ करती हूँ आईज पे डेप्थ क्रिएट करने के लिए क्रीज लाइन के लिए. सो आप भी ब्राउन कलर यूज कर सकते हो, लाइट ब्राउन. डायरेक्ट डार्क ब्राउन बिल्कुल मत लगाइएगा, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता फ्रेंड. सबसे पहले लाइट कीजिएगा. अगर आपको और डेप्थ चाहिए तो और कलर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लगाइएगा तो फिर उसको हटाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, पूरा मेकअप ही रिमूव करना होगा.
हिट करना है. सो मैं ब्लैक आई शैडो लेके पुट करके अपने लिड पे. आप जो डेप्थ लाइन पे क्रीज जो क्रिएट किए हो लाइट टोन से उसके ऊपर बिल्कुल भी मत जाइएगा, वरना स्मोकी आई शैडो जितना अच्छा लगता है उतना खराब भी लगने लगता है फिर, इसलिए इसको नीचे रहने दीजिएगा. उसके बाद मैं वही लाइट ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ लोअर लेफ्ट साइड पे. इसके बाद मैं अपना सिल्वर आई शैडो ये वाला कलर पुट करने जा रही हूँ लिड के ऊपर. सो इसके क्योंकि इसको फिर टैग करना है. बाद में मस्करा यूज कर रही हूँ जो कि मेरा कलर कोड का मस्करा है. रियलिस्टिक में काजल यूज कर रही हूँ जो कि जेट ब्लैक है, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है. और ये काजल आप चाहते हो लेना तो इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा. और ये काजल मुझे बहुत पसंद है. और मैं आईब्रो फिलअप कर रही हूँ. सो अब मैं ब्राउन कलर से जो कि लाइट ब्राउन है और इसको मैं क्लब फैक्ट्री से मंगवाई थी और ये काफ़ी सस्ती भी मिल जाएगी और मेरा सेल है 1E104. सो ये क्लब फैक्ट्री से मैं ली और भी मैं क्लब फैक्ट्री का हॉल वीडियो भी है जिससे मैं बहुत अच्छे अच्छा चोकर वोकर ली हूँ एंड कैजुअल वेयर है कुछ. सो आप अगर चेकआउट करना चाहते हैं मैं क्लब फैक्ट्री हॉल तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फ्रेंड, आप देख लीजिएगा. बाद मैं कॉन्ट्रोलिंग करने वाली हूँ. सो इसके लिए मैं लाइट ब्राउन यूज कर रही हूँ और बहुत हल्का कॉन्ट्रोलिंग करने वाली हूँ चिक पे. और मैं ब्लश के लिए वार्म टोन यूज कर रही हूँ जो कि ये कलर है और ये शिवाना का ब्लश काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी स्मूथ है इसका टेक्सचर.
सो आप ये ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं ब्लश और हाइलाइटर और कॉन्टोरिंग का पैलेट साथ में लेना, तो ये सिवाना का ये पैलेट है और मेरा सेट है 01 और इसका नाम है अल्ट्रा ब्लश पैलेट। सो आप ये ले सकते हैं, इसमें देखिए सब कुछ है, कॉन्टोरिंग, ब्लश एंड हाइलाइटर सब कुछ है और इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो मैं वार्म टोन कंपलसरी नहीं, पर फिर भी आप लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।